Hi everyone, this is me, your Abhishek sir. Your master teacher of chemistry. So, bachcho, welcoming all of you to our Virat batch. हम लोग विराट बैच के राइट तो अपने को एकदम बड़े बड़े काम करने लास्ट टू लेक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बेसिकली मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिया था. होमवर्क में मैंने आपको ये दिया था कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ठीक है कि इन सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम लोग कैसे याद करेंगे. तो आप में से बहुत से लोगों ने उसको याद भी किया होगा और लिखा भी है कमेंट्स ठीक है. तो चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ऑलराइट, बेसिकली हम लोग, अगर कोई ये बच्चा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ, हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों के पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कुछ पीरियड्स, यू कैन से ग्रुप ऑल्सो, मैंने आपको दिए थे होमवर्क्स. राइट, और वो ग्रुप कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ. ओके बच्चा, इधर देखो, ये मैंने आपको दिया था. कौन सा वाला बेटा? ये वाला ग्रुप नंबर 17 ठीक है. फिर उसके बाजू वाला ग्रुप नंबर 18 याद आया? ग्रुप नंबर सर ने क्या दिया था? 18 भी दिया था ठीक है. और क्या दिया था ग्रुप नंबर? ये हमारी जो दो सीरीज थी, कौन कौन सी बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है. कौन कौन सी? ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ठीक है. इसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट ठीक है. तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपको देखो, मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ ठीक है. देखो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ये वाला ठीक है, ये वाले कौन से वाले? ये ऊपर वाले, ये ठीक है, ये साइड के, ये आपको 11th में पढ़ना है ठीक है. और फिर ये जो डी ब्लॉक दिख रहा है ये सेंटर वाला, ऑलराइट, ये डी ब्लॉक और ये नीचे का ये एफ ब्लॉक, ये दोनों आपको पढ़ना रहेगा 12th में. मतलब इसके ऊपर एक बच्चा अच्छा सा चैप्टर है ठीक है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन करके, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है रिटर्न ठीक है. और ये जो पी ब्लॉक देख रहे हो ना, पी ब्लॉक, ये आपको अगेन 12th स्टैंडर्ड में ठीक है. तो आपका 11th का जो टॉपिक है वो बेसिकली एस ब्लॉक से रिगार्डिंग से, समझ में आ गया आपको? ऐसी पार्ट. DNF तो अभिषेक सर ने बता दिया, कहाँ पर आएगा DNF बेटा? DNF आएगा 12th में. और पी ब्लॉक भी कहाँ आएगा? 12th में आएगा ठीक है. तो चलो अभी हम लोग इसको याद करते हैं. कैसे याद करना है? आपको याद आ रहा रहेगा ठीक है, मैंने बोला था याद करने के लिए. याद है कि नहीं है बताओ? कैसे कैसे? देखो ना, लास्ट टाइम आपको मैंने याद कराया था, याद आया था? देखो लिरिक्स, जिसने इसे प्रैक्टिस किया रहेगा ना बोल करके, उसको तो एकदम इजीली याद आ जाएगा ठीक है. देखो लाइफ में आपको पीरियोडिक टेबल बहुत बार मिलेगी स्टडी करने के लिए आगे भी. तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप इसी को अभी अच्छी तरीके से कर लो ठीक है. तो चलो ग्रुप नंबर 17 को देखते. ऑलराइट, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टरीन. तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ग्रुप नंबर 17 को, ऑलराइट, हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं बेटा हैलोजन डेरी, हैलोजन बोलते. क्या बोलते हैं? हैलोजन्स. ऑलराइट, हैलोजन की फैमिली है, समझ में आ गया? ग्रुप नंबर किसको? 17 को. ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, ये हैलोजन ही है ठीक है. तो इसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा. कहाँ पर? आपके पास 12th में एक चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन डेरिवेटिव्स करके ठीक है. ये 12th स्टैंडर्ड में है. तो देखो अभिषेक सर ये सब क्यों बता रहे? अभिषेक सर के बताने का रीज़न ये है कि आप लोग पहले से ही अवेयर रहो कि ये, आप लोग सोच रहे हो कि चलो देखते हैं इसको क्या है, ऐसे ही देख लेते. नहीं, ये आपको आगे भी काम आने वाला है ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि आपको ये सारे के सारे चीज़ें अच्छी तरीके से अभी ही पढ़ना है ठीक है. और क्यों अभी पढ़ना है? क्योंकि आगे भी आपको काम आएगा. ऑलराइट, तो चलो देखो, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है बेटा फ्लोरीन ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में ये. ऑलराइट, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखो इसको लिरिक्स, इसका हम लोगों ने ऐसे बनाया, फिर कल बाहर आई आंटी ठीक है. क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी. देखो यहाँ से मेरे साथ एक बार बोलो तो याद हो जाएगा आपको, एक बार बोलो जस्ट याद हो जाएगा. देखो बोलो फिर ठीक है, कल बाहर आई आंटी. ऑलराइट, नीचे के ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंस नहीं, अभी अभी डिस्कवर हुए ठीक है. इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई समस्या नहीं है ठीक है. बोला कि नहीं बोला आपने? बोला रहेगा तो जरूर याद आएगा ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, ये वाला ग्रुप नंबर 18, इनर्ट गैसेस, कोई कोई इसको नोबल गैसेस भी कहता है राइट.
इसमें ऐसे क्या बात है, इसको भी याद करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो देखो इनको याद करने का एकदम सिंपल सा टेक्निक है ये। मेरे साथ बोलो, हेमा, बोलो एक बार बोलो तो याद हो जाएगा। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, बोलो जीती ई ई बोल रहे। हेमा बोलो एक बार बेटा बोलो। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, क्लियर हो गया आपको? ये दो मैंने होमवर्क दिया था, अभी करा दिया, ठीक है। अब ये वाले सीरीज पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 14। तो इसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल है ये। देखो सीने, देखो यहाँ से बोलो, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। मेरे साथ बोलो, बोलो ना बेटा एक बार, ट्राई करते ना, हम लोग सीखेंगे ना, वीडियो देख रहे तो एकदम करते ना इसको, अभी करके खत्म करते ना बच्चा। देखो बोलो, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। वापस बोलो एक बार, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, ठीक है। सीने पर नदियाँ किसकी समाई? प्रेम की। किसकी? प्रेम की। यूं ही गदगद तब दिल हुआ, क्या हुआ बेटा? यूं ही गदगद, क्या हुआ फिर? यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम क्या लगते हो बेटा? और तुम लगते हो लाजवाब। क्या लगते हो? लाजवाब, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाली सीरीज को याद करते, देखो नेक्स्ट वाली सीरीज को मैं याद करने का तरीका सिखाता हूँ, एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर आपके पास देखो टेक्स्ट बुक आपने ले ली है ना, तो टेक्स्ट बुक में लिख भी लीजिए, आप नोट भी कर लीजिए जो भी मैं आपको लिरिक्स बता रहा हूँ, सो दैट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा वहाँ पर, ओके। चलो अब नीचे वाली को सीरीज को करते, देखो ये वाली एक्टिनेट्स, कौन सी? अभिषेक सर ये वाली बोल रहे, ये वाली बेटा, ठीक है। देखो थोड़े, मेरे साथ बोलो थोड़े, थोड़े मतलब थोड़ा कम, ठीक है, उसको बोलते थोड़ा। थोड़े पापड़ यू नापो, क्या? थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। जब लोग मेजर करते ना, मेजर पापड़, पापड़ रहता ना पापड़, उसको हम लोग जब मेजर करते तो ऐसे बोल रहे हैं कि थोड़े पापड़ यू नापो, ठीक है, नापो मतलब मेजर करो, ठीक है, वेट करो उसका। पुराने आम कम बिकेंगे, क्या बोला अभिषेक सर ने? अभिषेक सर सेज दैट पुराने आम कम बिकेंगे। इतना क्लियर हो गया? फिर कैफे में ऐसे फरमाइए, कैफे हम लोग जाते हैं ना कहीं कहीं कैफे में, ठीक है, तो कैफे में ऐसे फरमाइए, मैडम नूडल्स लाइए। आपको कैफे में गए हो आप, और कैफे में जाने के बाद क्या बोल रहे हो? कैफे में ऐसे फरमाना है और मैडम को क्या लाना है? नूडल्स लाना है। क्लियर हो गया? एक बार वापस से एक साथ बता देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, देखोगे? हाँ या ना बोलो, यस और नो, बोलो 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 जल्दी, एक बार और देख लेते, ठीक है, देखो ध्यान से। थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाइए, मैडम नूडल्स लाइए। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो है पूरा का पूरा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल करा दिया है, करा दिया कि नहीं करा दिया बेटा? करा दिया ना, यस और नो, बोलो, हो गया ना? एक बार वापस से देख लेते, पूरा स्टार्टिंग से कर लेते इसको फटाफट से। चलो देखो कैसे कैसे करना है, देखो एकदम सिंपल है, पहले बोलो मेरे साथ, सिंपल है, पहले बोलो यस यस, बोलो सिंपल है, सिंपल है सर। देखो यहाँ से आपको कैसे कराया था, लास्ट लेक्चर में कराया था, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, फिर यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़, फिर उसके बाद ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है, इधर तक हो गया। फिर उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैला, फिर उसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु, फिर उसके बाद नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, फिर उसके बाद था ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। फिर उसके बाद आपको ये कराया मैंने, कैसे कराया बताइए? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, और ये वाला कैसा था बताओ बताओ? थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाइए, मैडम नूडल्स आइए।
3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 118 एलिमेंट आपको मैंने याद करा दिया, खत्म। इसके बाद अगर अच्छे से आपने फोकस करके इसको कर लिया, आपको कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज को, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? अब देखो, अगर आपको ना कुछ करना है ना, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं, बस 5-10 रुपये खर्चा करो, ठीक है, और फिर स्टेशनरी के शॉप पे जाओ, तो एक बड़ा सा कार्डबोर्ड टाइप का सा एक पेपर आता है, ठीक है, इतना बड़ा, जैसे हम लोग स्कूल में लेते थे ना वैसा, उसको ले लो, और फिर लेने के बाद मस्त वहाँ पर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ड्रॉ कर दो। समझ में आ गया? ड्रॉ करने के बाद उसमें अच्छी तरीके से लिख दो, अगर आप थोड़ा और खर्चा कर सकते हो तो कलर वाला ले करके उसको, जैसे ये कलर से, जैसे यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ये कलर वाले क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, जो कि यहाँ पर है। अल्कली मेटल्स कहाँ पर है? यहाँ पर है, ग्रुप नंबर 1 में। तो ऐसा करके आप लोग इसको अच्छे से रख दो, बना करके एक दिवाली वाल पे लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जब भी आप निकलोगे या फिर कहीं पे भी जाते रहते, जहाँ पर आप बाल वाल बनाते हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पर रख दो इसको, और फिर बाल वाल बनाते समय ऐसे पढ़ लेने का, हाँ, हेलिना की रबड़ी सस्ती थी, ये वो, ऐसे ऐसे करके खत्म, बात खत्म। इन चीज़ों को ईजी बनाओ, मेरे बोलने का मतलब यही है, ठीक है, और रिविजन करते हो चलो, राइट। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, याद है किसका डालोगे? समझ में आ गया ना? तो चलो आगे चले। अब देखो, इधर तक तो अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सर ने अपने को सारे के सारे एलिमेंट्स के नेम याद करा दिए। अब मेरा ये बनता है कि मुझे इसको प्रैक्टिस करना है। ये किसकी तरफ से आना चाहिए? आपकी तरफ से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, इसको एक बार बनाया है कि नहीं बनाया है। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अभी खाली 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा अभिषेक सर ने क्या कराया अपने साथ, ठीक है, अपने को क्या सिखाया अभिषेक सर ने। ध्यान से देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उस फ्रेंड का नाम है अब्बू। क्या नाम है? अब्बू। तो अब्बू की स्पेलिंग क्या होगी? अब्बू की स्पेलिंग होगी ए बी यू। क्या होगी बेटा? ए, मेरे साथ बोलो क्या होगी अब्बू की स्पेलिंग? ए और बी, राइट, ए बी, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा बता? ए बी और यू, ये लिखेंगे अब्बू की स्पेलिंग, ए बी यू। ऑल राइट, अब अपने को क्या करना है, जो ये यू है ना, यू बेटा, ये वाला कौन सा वाला? ये वाला यू दिख रहा है आपको, देखो ये वाला यू, बरोबर। तो इस यू को मैंने यहां पर लिख दिया, कहां लिख दिया बेटा? यहां पर लिख दिया। और ये जो आपको ए दिख रहा है ना, ए, इस ए को मैंने बेटा यहां पर लिख दिया। कहां पर लिख दिया बेटा? यहां पर लिख दिया। समझ में आ गया? ए बी यू, फिर इस यू जो लास्ट वाला यू था उसको ए के बाजू में लिखा, और जो फर्स्ट वाला ए था उसको मैंने कहां लिख दिया बेटा? यू के बाजू में। इतना क्लियर हो गया? फिर लास्ट में मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बच्चा, ये देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ। क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं बताओ, बोल बेटा क्या लिख रहा हूं? एफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एफ। समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है? बोलो नहीं है सर, बोलो बच्चा नहीं है, मतलब नहीं है समस्या कोई। यहां पर लिख दिया मैंने एफ, ठीक है, और ये यहां पर अपना बी वैसे का वैसा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अफबॉब प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफबॉब प्रिंसिपल। अबू क्या है अपना? प्रिंसिपल है। क्या बेटा? प्रिंसिपल है बेटा। क्या है बोलो? प्रिंसिपल है। समझ में आ गया? इतना कोई डाउट है यहां तक? नहीं। तो स्पेलिंग याद करा दी ना मैंने, कैसे याद कराई एक बार वापस से देख लो फटाक से। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेरा एक फ्रेंड है, द नेम ऑफ माई फ्रेंड इज अब्बू, ए बी यू, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो यू है इसको यहां ले लो, तो ये यू यहां आ गया, और ये ए को मैंने यहां ले लिया, ठीक है। फिर ये बी के पहले मैंने क्या लगा दिया? बी के पहले मैंने क्या लगा दिया? एक सेकेंड बेटा, ये यहां पर मैंने ए ले लिया, ठीक है, और बी के पहले मैंने क्या लगा दिया बेटा? एफ लगा दिया। तो क्या बन गया? अफबॉब प्रिंसिपल। सिंपल है ना? अगर आपको कोई पूछेगा कौन सा प्रिंसिपल? अफबॉब प्रिंसिपल। तो स्पेलिंग लिखने का ए बी यू, यू को यहां ले ले बेटा, ए को यहां ले ले, यहां पर एफ लगा दे, बन गया अफबॉब की स्पेलिंग। बच्चों को कभी कभी मिस्टेक होता है इसमें, मैं बता रहा हूं ना, अफबॉब की स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, एवढा सगळ्यांना कळलं आहे? कळलं का नाही? कळलं कळलं ना? आता बघा, आता मी काय शिकवतो तुम्हाला, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ अबव प्रिंसिपल क्यों इम्पॉर्टेंट है और इससे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हेल्प होगा। क्या हेल्प होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक
मेरे साथ बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ कैसे बनाना है, आप मेरे साथ देख लो, ठीक है, कैसे बनाना है आप मेरे साथ देख लो इसको, ऑलराइट, ठीक है, चलेगा ना? देखोगे कि नहीं देखोगे? यहाँ पर देखो, ठीक है, चलो देखो। अब मैं आपको सिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख लो बेटा। टाइम हो रहा है 8:59, बहुत मेहनत चल रही है, आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा टेक्निक देखो, वैसे ही आपको करना है, मैं जैसा टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ आपको वही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, वही टेक्निक का क्या करना है बेटा, इस्तेमाल करना है। इतना सबको समझ में आ गया? खुद का दिमाग नहीं लगाना है, मैंने जैसा सिखाया है वैसे ही करना है, इतनी गारंटी है आपकी मेरी तरफ से और मेरी गारंटी आपकी तरफ से, ठीक है। चलो कर ले बेटा, चलो इसको करते हैं अभी हम लोग। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने, मुझे ना अबव प्रिंसिपल करना है, मतलब अभिषेक सर ने लास्ट टाइम सिखाया था अपने को टपली वाला, अभी अभिषेक सर क्या सिखा रहे हैं, अभिषेक सर सेकंड मेथड सिखा रहे हैं जो कि टपली वाले मेथड से भी ईजी है, कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर अपने को स्टार्टिंग में लाइन से लिखना है, पहले लिखना है अपने को 1s, क्या लिखना है 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s, इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। फिर इसके एक बाजू में 1s के एक बाजू में इधर पे नहीं लिखना है, इधर पर नहीं लिखना है, मतलब ये प्लेस क्या रहेगा अपना खाली, तो किधर लिखना है, नीचे लिखना है, क्या लिखना है 2s के बाजू में लिखना है 2p, क्या लिखना है बेटा 2p लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद 3s के बाजू में 3p, फिर 4s के बाजू में 4p, ओके सर, फिर 5s के बाजू में 5p, फिर 6s के बाजू में 6p, फिर 7s के बाजू में क्या आ जाएगा 7p, ठीक है 7p, इतना समझ में आ गया। अब इसके वापस से बाजू में नहीं लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो कहाँ लिखना है बेटा, नीचे की तरफ लिखना है इसके, कैसे, देखो ध्यान से, 3p, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4p, नहीं क्या आएगा बेटा 4d आएगा, क्या आएगा बेटा d आएगा, 4 आएगा कि 3 आएगा, खुद से सोचो क्या आएगा बेटा 3d आएगा, मिस्टेक समझ में आया, क्या लिखना है आपको 3d लिखना है ना, p लिखना है क्योंकि आप p लिख चुके हैं ना, ये लाइन में आपको सारे के सारे किसके लिखने, d के लिखने, ठीक है, 3d हो गया। अब 4 के बाजू में क्या आएगा, 4 आएगा, और ये कौन सी है, d की है, समझ में आ गया, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, आ गया सर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है 5d, ठीक है, फिर 6p के बाजू में आपको क्या लिखना है 6d, नीचे आपको छोड़ देना है, समझ में आ गया। अब आगे चलते, ध्यान से देखो, मैं सारे के सारे रीजंस भी बताऊंगा, डोंट वरी, बस थोड़ा सा बस यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। फिर 3d के बाजू में नहीं लिखना है, फिर कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, कैसे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे सबसे पहले, ठीक है, d के बाद क्या आता है, f आता है, राइट, फिर 5 के बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर भी 5 लिखोगे, किसका लिखोगे, f लिखोगे, समझ में आ गया। फिर उसके नीचे लिखोगे 6f, क्या लिखोगे 6f। अभी देखो बेटा, किसी ने तो मेरे को बोला अच्छा नहीं लग रहा है सर, नहीं लग रहा है, अच्छा चलो काट देते इसको, क्या करते थे बेटा, इसको हम लोग काट देते, कैसे काटेंगे देखो, ऐसे देखो ध्यान से, मैं एकदम आपको काट के दिखाता हूँ, ठीक है, वैसे तो काटने में आप लोग भी माहिर रहोगे, फिर भी मैं आपको काटना सिखाता हूँ, देखो ऐसे, एक सेकेंड, ये कलर मैंने गलत ले लिया, 1 सेकेंड, अब सही है, देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा मोटा कर दे क्या, रुको 1 सेकेंड, अब ठीक है, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है बेटा, अब देखो अब काटता है, ऐसे काटा, ठीक है, कैसे काटा, ऐसे काटा, अब इसको देखो मैं कैसे काट रहा हूँ, ऐसे काट रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, काटने का तरीका देखो, ऑलराइट, अब देखो इसको मैं ऐसे करके काट रहा हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर अब कैसे कट रहा है देखो, काटना आना चाहिए, ठीक है, जीवन में कुछ आए चाहे नहीं आए, काटना जरूर आना चाहिए। अब यहां पर देखो ऐसे करके, ठीक है, फिर उसके बाद एक और बार काटेंगे, देखो ऐसे ऐसे करके, समझा, फिर वापस से काटेंगे,
अगर आपने लिखा बराबर है ना तो आपको काटने बराबर से आएगा। क्या बोला अभिषेक सर ने? अभिषेक सर ये बोल रहे कि अगर आपने लिखा बराबर से ना तो आपको काटने भी क्या आएगा, बराबर से आएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे करके समझ में आ गया, इतना काटा, अब बाकी का भी काटते चलो। ठीक है, अरे काटेंगे, मुस्कुराओ, काटेंगे हम लोग, कटेंगे नहीं, काटेंगे। ठीक है, इधर देखो ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब एक लास्ट और एक काटता हूँ, देखो कैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर एक लास्ट काटेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो लास्ट है ये ऐसे, समझा? कुछ इस तरीके से आपको काटना है। क्या करना है बेटा? काटना है किस तरीके से? इस तरीके से। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है? बोलो नहीं है सर, नहीं है बोलो, नहीं है बोलो ना बेटा, नहीं है आपको कोई डाउट? समझ में आ गया? कोई डाउट है बेटा? ठीक है, नहीं है ना, हो गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने एकदम अच्छे से बनाया, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 1s, 2s, 3s, यहाँ ये कहाँ तक लिख दिया? 7s तक लिख दिया। कहाँ तक लिख दिया बेटा? 7s तक लिख दिया, तो मतलब 7। अभिषेक सर ने पहले क्या लिखा? 7। फिर उसके बाद सर ने क्या लिखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना लिखा? हार्दिक पांड्या ने मारा है 6। क्या मारा है? 6 मारा है। फिर 6 के बाद हार्दिक पांड्या ने चौका भी मार दिया। वाओ, व्हाट अ मैच, चौका ही मार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कितना रन लिया? 3 रन लिया है। कितना रन लिया बेटा? 3 रन लिया है। सर समझा नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, सिंपल सी बात है। एस ब्लॉक देखा है? एस ब्लॉक में कितना रहता है ये साइड में? अल्कली मेटल्स 7 रहता है, राइट? तो 7 है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 6 रहता है, 6 है सर। डी ब्लॉक में 1, 2, 3, 4 रहता है। यस 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 यस, 4 है। हाँ है ना, 4 नहीं है क्या? है ना 4। फिर उसके बाद एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में 2 ही रहता है, तो 3 क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि ये जो 6F है ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये जो आपको 6F दिख रहा ना बेटा, कौन सा वाला? ये जो 6F है ना, इसका कहीं भी यूज़ नहीं होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, और एक छोटा सा अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो कि इस पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं आता है? ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, मुझे भी तो पता चले बच्चों को कितना आता है। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाओ रिटर्न। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझ लो। मैंने आपको ये बता दिया 7, 6, 4, 3 फॉर्मेट रहेगा, मतलब 7, 6, 4, 3 ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। अभी मैं आपको पूरी प्लेट मेथड समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पूरी प्लेट मेथड। उसके पहले आप क्या करो, इसका एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका इसको आप लिख के ले लो, दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी से इसको कर लो, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलो जल्दी जल्दी कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन हो गया सबका स्क्रीनशॉट लेके? ओके डन, चलो आगे। अब समझते हैं इसको, अब मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी प्लेट मेथड। पूरी प्लेट मतलब समझा नहीं, बहुत मजा आने वाला है, देखो ध्यान से। अब अपने पास क्या है, अपने पास ना 4 लोग हैं। कौन लोग हैं? 4 लोग हैं। देखो कैसे, एक है एस, बचपन में हम लोग देखते थे, देखो एस पी डी पावर रेंजर्स, देखते थे कि नहीं देखते थे? एस पी डी एफ, अभी भी देखते, एस पी डी एफ। तो ये जो एस है ना, एस वाला पर्सन है, एस वाला जो पर्सन है ना, एस। ठीक है, आप ये समझ लो कि आपका कोई भी एक फ्रेंड है, उसका नाम, उसका जिसका भी नाम एस से स्टार्ट होता है, वो भंडारे में गया। किधर गया बेटा? भंडारे में। भंडारे में मतलब समझ रहे ना आपको, अभी गणपति जी आ रहे हैं तो भंडारे वंडारे में हम लोग खाना भी ना खाते कि नहीं खाते जाके, तो ये भंडारा है। तो यहाँ पर इसके अंदर भंडारे में हमारे पास 4 लोग हैं। कौन लोग हैं? 4, एक एस है, एक पी है, एक डी और एक एफ है। कितने लोग हैं? 4 लोग भंडारे में गए हुए हैं। जो ए एस वाला है ना, ये 2 पूड़ी खाता है बेटा। कितनी पूड़ी खाता है बोलो मेरे साथ? 2 पूड़ी खाता है। ठीक है, और ये जो पी वाला है ना, पी वाला पर्सन, ये 6 पूड़ी खाता है। मतलब कैसे पता चला 6 पूड़ी खाता है? हमेशा +4 ऐड करना है आपको। कितना ऐड करना है याद रखना, कितना ऐड करना है? +4 ऐड करना है। ठीक है, तो एस ने कितना खाया बेटा? एस ने 2 खाया। और सर पी ने कितना खाया? 6 खाया। डी ने कितना खाया बताओ? डी ने +4 ऐड कर दो, 6 + 4 कितना? 10, तो 10 खाया। फिर इसके बाद एफ ने कितना खाया? एफ ने बच्चा 14 खाया। कितना खाया?
14, 10 प्लस 4, यानी कि सब में क्या क्या ऐड करते जाना आपको, प्लस 4 ऐड करते जाना। यहाँ से आपको गए आप ऐसे करके, तो आपने प्लस 4 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप ऐसे गए तो आपने वापस से प्लस 4 ऐड कर दिया। फिर यहाँ से आप यहाँ अगर ऐसे गए तो आपने प्लस 4 ऐड कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कोई समस्या यहाँ तक है क्या? नहीं है, नहीं है बोलिए, नहीं है। ओके सर, अब ध्यान से समझते हैं इसको। पूरी प्लेट मेथड क्या होता है? अब अभिषेक सर का टेक्निक है ये, अभिषेक सर स्पेशल है ये। क्या लिखना है आपको? अभिषेक सर स्पेशल लिखना है सबसे पहले आपको इसमें, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, सुनो, अगर आप जब भी भंडारे में जाओगे, ठीक है, भंडारे में ये चार लोग आए हैं, कितने लोग आए बेटा? चार लोग ये पापा ने भंडारे में आ चुके हैं। कौन कौन से चारों दिख रहे हैं ना? आपके दोस्त लोग हैं, देखो ध्यान से पहचानो कौन है, कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो उसका, ठीक है। ये हो गए चार लोग, समझ में आ गया? कितने? ये चार लोग हमारे भंडारे में गए हुए हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? कौन कौन से? एस, पी और डी और एफ, समझा? ये चार लोग हमारे गए हुए हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? अपने को इन चारों को ना पूरी बांटना है। क्या बांटना है बेटा? पूरी बांटना है। पूरी आता है ना मस्त एकदम, तो पूरी ये लोग को बांटना है, ठीक है। तो पूरी बांटते समय खुद से सोचो आप लोग, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लेट लगाओगे कि पूरी बांटोगे? जैसे आपका दोस्त आया एस, ठीक है, एस नाम का, दो पूरी खाता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके हाथ में जाते जैसे ही बैठा, एक घेरे, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? ये प्लेट लो, यस और नो? तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लेट लगाना है। क्या लगाना है? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, क्या लगाना है अपने को? प्लेट लगाना है। उसके बाद अपने को क्या करना है? उसके बाद बेटा अपने को पूरी बांटना है। क्या बांटना है बच्चा? पूरी बांटना है, समझ में आ गया? ये अपना टेक्निक है, एकदम बेहतरीन टेक्निक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले प्लेट लगाना है। तो देखो अभी हम लोग प्लेट बनाएंगे। प्लेट कैसे बना रहे हैं देखो ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लेट बनाना, ठीक है। ये देखो, ये 1s की प्लेट हो गई। किसकी प्लेट हो गई बेटा? ये 1s की प्लेट है। मेरे साथ बोलो किसकी प्लेट है बच्चा? बोलो 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 किसकी प्लेट है? ये 1s की प्लेट है, समझा? और फिर इसके नीचे यहाँ पर ये किसकी प्लेट है? 2s की प्लेट है। किसकी प्लेट है बच्चा? 2s की प्लेट है। बोलो किसकी प्लेट है? वापस बोलो, किसकी प्लेट बना रहे हम लोग? 2s की प्लेट बना रहे। किसकी प्लेट बना रहे? 2s की, ठीक है बच्चा? इतना समझा, यस और नो? अब इसके नीचे हम लोग बना रहे 3s की प्लेट। किसकी प्लेट बना रहे? 3s की प्लेट, ठीक है। अभी बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से देखो। जस्ट प्लेट बन चुकी है हमारी, किसकी किसकी? 2s और 3s की, ठीक है। अब नीचे नीचे आपको ऐसी करके ना प्लेट बनाते जाना है, कुछ इस तरीके से देखो, ऐसे। ये किसकी प्लेट हो गई बच्चा? 4s की प्लेट हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना समझ में आ गया? ये किसकी प्लेट हो गई? 4s की। अब इसके नीचे क्या है? 5s है, तो 5s की भी प्लेट लगा दो, ठीक है। ये ऐसे करके ये प्लेट बन गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट प्लेट बना रहे हैं। इतना क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। सारी की सारी ऐसी आपको क्या करनी? प्लेट बनानी। जैसे कि ये 6s की बना देता हूँ मैं, बना दूँ? हाँ या ना? 7s की बना देता हूँ, बना दे? ओके, ठीक है, समझा? आता आता बगा, 2pg पण काढतोय मी असा, आणि 3pg पण काढतोय असा, कळलं नाही सगळ्यांना? एवढा खूप सोपं आहे रे, तुम्ही कशाला केमिस्ट्रीवरून घाबरतोय? मला नाही माहिती तुम्ही कशाला घाबरतोय, तुमच्यासाठी आम्ही इकडे आहे ना, मग सेट माणूस, तुम्ही कशाला घाबरतोय एवढा? नाही घाबरायचे, आता घाबरणार मग पुढे काय होणार आहे? सगळं खूप सोपं असतात, बस आपल्याला लक्ष द्यायची गरज असते। करताना मी काय बोलतोय की मी स्वतःतून बोलतोय स्वतःशी नाही बोलतोय ना, मी तुमच्याशी बोलतोय, आणि तुम्ही ऐकता पण आहे मला, ऐकता का नाही ऐकता? ऐकता ना, मग काय, मग सगळं होणार आहे, काय टेन्शन घ्यायचं नाही। तुम्ही असा ना, आता बघा, हो गया, प्लेट लग गई सारी की सारी, यस और नो? लग चुकी है, मतलब मैंने प्लेट बना दिए। क्या कर दिए मैंने? प्लेट बेचा बना दिए, हाँ या ना? प्लेट मैंने बना दिए, ठीक है, बन गई प्लेट, यस और नो? प्लेट बन गई, ये देखो कुछ इस तरीके से सारी की सारी प्लेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपनी बन चुकी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ऑलराइट, सारी की सारी प्लेट बन चुकी है। अब ये पूरी प्लेट मेथड क्या है ये? मला नाही कळलं, काय शिकवतो तुम्ही? आता बघा, आता एकदम खूप सोपं आहे। तुम्ही कायतरी नंबर सांगा मला, कोणता पण नंबर सांगून द्या मला, बस नंबर बोलते समय 118 के अंदर बोलना है बेटा। कहाँ के अंदर बोलना है? 118, 118 के अंदर ही आपको बोलना है। अरे 119 कैसे लिखा मैंने? 118 लिखा है ना बेटा, क्या? 118, अपने पास पीरियड टेबल में 118 है, तो 118 ही है,
समझ में आ गया, टोटल एलिमेंट्स। तो कोई भी एक नंबर बोल लो, कोई भी एक नंबर, जैसे आपकी जो मर्जी वो आप एक नंबर मेरे को बोल के बताओ, मैं आपको फिर ये सिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, अब कोई भी एक नंबर बोलो ना बेटा, कोई भी बोलो। जैसे कि हम लोग ले लेते कोई एक नंबर, 10 ले लेते, कितना नंबर ले लेते, 10, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है आपको, ठीक है? यहाँ पर देखो ध्यान से, 10 नंबर बोल दिया। तो आपको जब भी ये 10 एटॉमिक नंबर आपको किसी ने दिया हुआ है, तो इसका आपको बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से दिखाता हूँ, यहाँ पर फोकस करो, एकदम फोकस, ठीक है? तो आपको ये 10 क्या कंसीडर करना है, ये आपको ऐसा सोचना है कि आपके पास 10 पूड़ी है। कितना पूड़ी है? 10 पूड़ी है, ठीक है? तो मैंने दिमाग में बैठा लिया कि मेरे पास 10 पूड़ी है, मेरे को 10 पूड़ी क्या करना है, बांटना है। 10 पूड़ी क्या करना है बच्चा, बांटना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेट लगाओगे। क्या लगाओगे? प्लेट लगाओगे, राइट? तो ये प्लेट है हमारी पास, ठीक है? तो प्लेट इस हिसाब से लगाना है। पहले देखो किसकी प्लेट लगेगी, 1s की। फिर उसके बाद किसकी प्लेट लगेगी, 2s की। फिर उसके बाद किसकी लगेगी, 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की प्लेट लगेगी, फिर 4d की लगेगी, उसके बाद 5p की, फिर 6s की, फिर 6s के बाद किसकी लगेगी बता बच्चा, नीचे 7s नहीं, 4f की, 5d की, 6p की, 7s की, ऐसे लगेगी प्लेट, ठीक है? फिर उसके बाद किसकी लगेगी, 5f, 6d, 7p, 6f, ऐसे प्लेटें लगेंगी। प्लेटें लगने का समझ में आ गया ना, पहले 1s की लगेगी, 2s की, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, यहाँ तक प्लेटें लगेंगी, ठीक है? तो देखो सबसे पहले प्लेट लगाने के लिए सर ने बोला था, तो प्लेट लगाता हूँ मैं। देखो कैसे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। पहले लिख देंगे हम लोग 1s, ठीक है? फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, पूरी डालना चालू करूँगा। क्या करूँगा, पूरी डालना चालू करूँगा। देखो ध्यान से कैसे, एकदम ईजी तरीके से। यहाँ पर ऐसे मैंने बताया था, s कितनी खाता है बेटा, s 2 खाता है, कितनी खाता है, 2। तो यहाँ पर देखो पूरी कैसा डालेगा, ऊपर से डालेगा ना बेटा, नीचे से थोड़ी ना फेंकेगा, एले 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 पूरी ऐसे थोड़ी ना करेगा, ऊपर से डालेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसे यहाँ पर वापस से देखो कौन बैठा है, एस बैठा है, वापस से इसको कितनी डालूंगा, 2 डालूंगा। पी बैठा है, पी कितनी खाना रे वाड़ा, 6, ओके चलो 6 डाल दिया इसको मैंने, ठीक है? यहाँ पर कौन बैठा है, एस बैठा है, एस को मैंने वापस से 2 डाल दिया। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं, अरे क्या हो गया, अरे बाबा ध्यान से देख बेटा, पूरी कितना है, 10 है, कितना है, 10 है। तूने डाला कितना है बच्चा, देख 6, 2, 6, 2, 6, 2, 8, फिर उसके बाद 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12 पूरी कैसे डाल दिया, कितना है, 10 है ना, ये कैसे बैठ गया, इसको भगाओ घर पे, भगाओ इसको फटाक से। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खत्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक खत्म। कोई भी एक नंबर बोल दिया आपने, तो उसको आपको क्या इमेजिन कर लेना है, पूरी उसी हिसाब से डालना है, खुद से थोड़ी ना बेल के लाओगे। लो 10 पूरी दिया था बांटने के लिए, पता चला 12 बांट रहे हो, ऐसा होएगा क्या, नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो एक और करते, चलो हम लोग 10-15 प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो अभी, ठीक है? कोई एक और नंबर बोलो, चलो कोई एक और नंबर बोलो फटाक से। पहले इसका आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले SS ले लो फटाक से, 3 उंगली फेरो, स्क्रीनशॉट निकाल के लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, डन हो गया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते। अब देखो मैं आपको कुछ और भी सिखाता हूँ, जैसे कि आप कोई भी नंबर बोलो, अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? देखो सिंपल था, जो भी नंबर बोला ना उसको आप समझो कि पूड़ी है, फिर इतना याद रखने का, एस 2 खाएगा, पी 6 खाएगा, डी 10 खाएगा, एफ 14 खाएगा, उस हिसाब से आप डालते जाओ, जितनी है उतनी ही डालनी है, घर से बना के तो लाओगे नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है? कोई एक नंबर बोलते, चलो कोई भी नंबर बोलो आप, कोई भी नंबर बोलो, 19, ठीक है? और बोल बेटा, लगाओ बोली लगाओ, और बोलो सर 50, और बोल बेटा, बोल बोल बोल, 80, 90, 100, कितना, 80, ओके सर 90, ओके बेटा 100, और बोल बेटा, जो नंबर बोलेगा उसकी बना के दिखाऊंगा, ठीक है? अब ध्यान से देख बच्चा, अब फॉर एग्जांपल 19 है, तो अपने को क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले कि अपने पास 19 पूड़ी है, कितनी पूड़ी है बच्चा, 19, वी हैव 19 पूड़ी, ठीक है? अपने को 19 कंसीडर करना है। फिर सबसे पहले मैंने बताया था पूरी बांटेगा कि प्लेट लगाएगा बच्चा, क्या लगाएगा बच्चा, प्लेट लगाएगा, क्या लगाएगा बच्चा, प्लेट। तो लगाते चलो 1s, लगाते हुए चलो 2s,
2P सर आगे बोलो ना सर, 3S आगे सर, 3P ओके सर, 4S, 4S आता है क्या सर? हाँ 4S आता है, एक बार चेक कर लो यहाँ पर देखो क्या आता है बच्चा, 4S आता है। क्या आता है? 3P के बाद 4S आता है, फिर 3D की पूरी आती है, नोट करना पॉइंट को। 3P के बाद 4S आता है, फिर 3D आता है, ठीक है? फिर 3D, 4P, 5S, क्या आएगा बच्चा? बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो बोलो, 3D बोलो, 3D, फिर उसके बाद 4P, ओके, फिर उसके बाद क्या बच्चा? 5S, क्या आएगा बच्चा? 5S। अब देखो प्लेटें लग चुकी हैं, अब पूरी डालना है। देखो कैसे डालते हैं हम लोग, एकदम सिंपल तरीके से। देखो डालते हुए चलो, देखो एस दिखा, हाँ दिखा सर, कितना डालना है? एस दो खाता है ना सर, तो दो ही डालेंगे। एस दो खाता है, ठीक है, पी 6 खाता है, ठीक है, फिर एस आया फिर 2 खिलाओ, फिर पी आया फिर 6 खिलाओ, फिर 2 खिलाओ, फिर डी आया 10 खिला दो, पी आया 6 खिला दो, एस आया 2 खिला दो, ठीक है। अब देखो पूरी काउंट करो, पूरी कितनी है अपने पास, कितनी है बताओ, ध्यान से देखो। ये 6 4 10 हो गया बेटा, ये कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। और ये 6 कितना हो गया? 16, और ये 17 18 हो गया, कितना हो गया? समझ में आया ना? ये 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, और ये 10 और 8 टोटल कितना हो गया? 18, ठीक है। तो 4S में कितना आना चाहिए? 4S में कितना आना चाहिए? और ये लोग काहे बैठे, इनको घर भेजो, ए तुम्ही जा उद्या, मागच्या वर्षी दिलं होतं तुम्हाला। आता देखो अभी एकदम सिंपल है, ये हो गया 4S, यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? तो कितना आना चाहिए बच्चा? 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दैट्स इट, हो गया। ऐसी तो करना है, काउंट कर ले बेटा, देख 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 1 19, तेरे पास पूरी कितनी थी? 19, हो गया डन। डन की नहीं, डन डन ना, खत्म। समझा कि नहीं समझा? पहले प्लेट लगाओ, जितनी पूरी है उतनी बांटो बस, जितनी पूरी है उतनी बांटनी है, अगर एक्स्ट्रा बांटा है तो उनको भगाओ घर पे, बात खत्म। चलो आगे देखो, 50 नंबर का करते, किसका करेंगे बच्चा? 50 का। अब 50 का करते समय सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? वापस से 50, मतलब 50 पूरी है, तो अब क्या करने का सर? सिंपल है, 50 पूरी मतलब 50 ही अपने को बांटना है, 50 से ज्यादा नहीं बांटना है, इतना क्लियर हो गया? 50 से ज्यादा बांटोगे क्या? नहीं बांटोगे, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय सबसे पहले क्या करोगे? प्लेट लगाओगे बच्चा, क्या करोगे बच्चा बोलो? प्लेट लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे सर, प्लेट लगाएंगे, चलिए लगाते हैं, चलो फिर लगाते हैं। देखो सबसे पहले 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3P के बाद 4S की लगती है, राइट? तो 4S, फिर उसके बाद 3D, फिर उसके बाद क्या? 5 नहीं, क्या आएगा बच्चा? 3D के बाद, 3D के बाद 4P, इधर तक समझ में आ गया? फिर कोई भी डाउट होता है तो अपने पास ये तो बना हुआ ही है, क्या? देखो ध्यान से, 4P के बाद किसकी लगेगी? 5S की, फिर 4D की, फिर 5P की, ध्यान से देख लिया? चलो ठीक है, 5S के बाद इधर देखो 4P आ गया हम लोग, फिर 4P के बाद 5S, देखो ना ध्यान से बेटा, किधर हम लोग? 4P के बाद 5S, फिर 4D, 5P, क्या लगेगा बच्चा? 4D और 5P, तो लगाते चलो, 4D और 5P, ठीक है। अब एक काम करते, प्लेटें लगा दी हम लोगों ने अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा अभिषेक सर ने सिखाया था वैसा। अब क्या करेंगे? पूरी डालेंगे, चलो डालते हैं। कैसे डालेंगे बताओ? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, पी है ना 6, 2 पी 6, एस 2, ठीक है, डी 10, पी बोलो कितना? बोलो बच्चा 6, राइट? फिर इसके बाद वापस से एस आया 2, डी आया 10, ओके, फिर इसके बाद सर पी आया 6। अब पूरी काउंट करो, चलो पूरी काउंट करो, एक्स्ट्रा खुद से बनानी नहीं है, मेरे को तो आती भी नहीं है बनाने, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो कैसे करना है इसको, काउंट करते चलो, काउंट करेंगे कैसे? काउंट करेंगे देखो, ये 6 4 10, सीधा सीधा था फंडा, अपना फंडा एक ही है, क्या जान लगाओ या तो जाने दो, बात खत्म। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, ये कितना हो गया? 6 4 10, ये भी कितना? 10, ये कितना? देखो यहां पर कितना? 6 और 2 8, ठीक है बस, और ये 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, और 6 भी क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। कैसे सर काउंट करते? देखो अपने पास पूरी है 50, ठीक है, ये 10, ये 10 कितना हो गया? 20, और ये 10 कितना हो गया? 30, 30 और 8 कितना हो गया? 38, 38 राइट, 38 अपने पास पूरी कितनी है? 50 है, तो कितना बच गया? 38, 39, 40 राइट, और 10 यानी कि 12, तो ये 4D में 10 है, 4D में कितना है? 10 है, ऑल राइट। और फिर 5P में 6 क्यों डाल दिया है? 50 के लिए मेरे को 2 डालना चाहिए ना इसमें, कितना डालना चाहिए बोलो? कितना डालना चाहिए? 2 डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए बच्चा?
कितना दो डालना चाहिए, कितना डालेंगे हम लोग, दो डालेंगे। अब काउंट करो बच्चा, काउंट करो काउंट करो काउंट करो, चलो काउंट करो कितना आ रहा है, देखो काउंट करो ना मेरे साथ। ये 10, ये 10, 20, ये 30, और ये कितना 40, 40, और फिर ये 48, दो कितना हो गया 50 हो गया, 50 पूरी डाल दिए मैंने। काउंट करके पोस्ट करके काउंट करना एकदम आराम से, ठीक है, कोई हाई नहीं अपने को, बना लिया ना, बस हो गया खत्म। क्या हो गया खत्म, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, एकदम सिंपल है सर, खूब सोप है सर, खूब खूब मंजे, खूबच सोप है। आता का सांगू मैं तुला, बोलो आगे एक और करते। चलो अब किसका करेंगे, 80 का करेंगे, ठीक है। एक काम करते, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, क्योंकि अभी रफ करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट, इसको तीन उंगली फेरो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, डन, ओके। चलो यहाँ पर देखो, अब हम लोग करेंगे आगे का, ठीक है, आगे का मतलब और भी तीन चार करेंगे, ठीक है। ओके बोलो, ओके सर, ओके 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 ओके। अब मैं आपको इसमें कुछ और एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। गायब हो जा, खुल जा सिम सिम, हो गया। चलो बच्चा, अब देख बच्चा, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से कर लेंगे, कोई ईजी हार्ड नहीं है अपने लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हार्ड नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसको करते हैं अभी तुरंत, दो मिनट में ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। क्या ले ले बताओ, कौन सा कलर लेंगे हम लोग? एक काम करते हैं हम लोग ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप सबको कि नहीं दिख रहा है? कि ये ले ले, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग, ऑल राइट। इधर देखो, इसको कैसे करना है आपको दो तीन चीज़ें मैं समझा देता हूँ। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पंडे हैं वो समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक CR दिख रहा रहेगा, CR करके, यहाँ पर CR लिखा हुआ है, राइट। तो इसी CR को आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। ये आपके क्या करने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है। ये दिख रहा है आपको, ये CR, ठीक है, ये क्रोमियम, ये वाला, और ये इधर पे एक और है इसी का भाई, कोबाल्ट। कौन? कोबाल्ट, ठीक है। चलो इन दोनों के बारे में आपको समझना पड़ेगा पहले। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, बेटा कितना है 27 है, ठीक है, सॉरी। कॉपर और क्रोमियम के बारे में समझेंगे, कॉपर और किसके बारे में, क्रोमियम के बारे में। यहाँ पर कॉपर इधर है, ठीक है, और अपना क्रोमियम किधर है, इधर है। क्रोमियम का कितना है, 24 है बच्चा, कितना है 24 है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखो कैसे करना है इसको, ध्यान से देखो कितना है 24 है। तो 24 का करने के लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर कितना 24, ठीक है, किसका है, क्रोमियम का है, CR का, ऑलराइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपने को सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अपने को प्लेट बांटना है। क्या करना है बच्चा, प्लेट बांटना है, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले 1s, 2s, 2p, 3s, हाँ आना, यस, 3s के बाद क्या सर, 3s के बाद आता है सर 3p आता है, फिर उसके बाद सर 4s आता है, फिर उसके बाद 3d आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 3d तक, चलो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, बस इतना समझते हैं, 3d तक लिखते हैं। प्लेट इतनी लगा दी हम लोगों ने, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सिंपल एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपके पास SPD है तो आपको पता है कि उसमें कितनी कितनी पूरी जाती है, ठीक है बच्चा। तो इधर पे दो, P में कितना 6, और यहाँ पर वापस से ऐसा है 2, P में कितना 6, S में 2, D में 10 डाल देता हूँ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट कुछ इस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल है सर। यहाँ पर 6 4 10 हो गया, आया ना, ये 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया टोटल 20 हो गया, और यहाँ पर 10 डाल दिया है, गलत हो गया मतलब, क्यों, क्योंकि पूरी 24 है ना सर, कितनी पूरी है 24 है, तो 24 ही डालेंगे ना सर, घर से क्यों बना के ला रहे हो। तो इसका मतलब डी में हम लोग कितना डालेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, डी में हम लोग कितना डालेंगे, खुद से सोचो, पहले दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, फिर मेरे को बताओ, डी में 10 तो नहीं आएगा, तो कितना आएगा, इधर तक 20 हो गया, इधर पे 4 है, तो मतलब डी में 4 आएगा, डी में कितना आएगा बच्चा, 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, डी में 4 आएगा, डी में जब 4 आएगा तो 10 और 10 20, और ये 4 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है।
तो यहां पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ के लीजिए आप लोग। जो डी है ना, डी ब्लॉक और एक पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक, इसमें कैसा रहता है, इसमें ना आपको थोड़ा सा कुछ समझने की जरूरत है। जैसे कि डी, डी में कितने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 10 जाते हैं, ठीक है। या तो देखो, अगर आपके पास कोई एक इंसान है जो कि 10 पूरी खाता है, तो आप उसको 9 खिलाओगे और घर भेजोगे, तो उसको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, बोलेगा ना कि सर एक मेरे को नहीं। जैसे तुम लोग आते हो ना शादी विधि से खा के, ये बोलते हैं यार गुलाब जामुन छूट गया, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते, तो वैसा ही इसका भी सिस्टम है। डी क्या बोलता है बच्चा कि सर मेरे को 9 मत खिलाओ, मेरे को बच्चा 9 मत खिलाओ, खिलाने का तो 10 खिलाओ। तो मैं सोचता हूँ कैसे खिलाऊँ इसको, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बाजू वाले से किसी से भी ले ले करके इसको 10 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, समझ में आ गया। और डी फिर एक और बात बोलता है कि सर मेरे को अगर आपने 4 खिलाया है, कितना खिलाया 4, तो मैं 4 भी नहीं खाऊंगा, मेरे को 5-6 खाना है। कितना खाना है बच्चा, 5 खाना है। कितना खाना है बोलो मेरे साथ, कितना खाना है बेटा, 5 खाना है। कितना खाना है, 5 खाना है, समझ में आ गया। जो मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। डी कब कब बोलेगा, डी दो ही टाइम बोलेगा, एक 9 पे बोलेगा, एक 4 पे बोलेगा। जैसे तू उसको 4 खिलाएगा बोलेगा मेरे को 4 नहीं खाने गए, मेरे को कितना खाने गए, मेरे को 5 खाने गए, ठीक है, मेरे को 9 नहीं खाने गए, मेरे को 10 खाने गए। कितना खाने गए बेटा, 10 खाना है, ठीक है, ऐसी है उसकी लॉजिक। तो यहां पर देखो डी में आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा ना बेटा, क्यों बोलेगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया। क्या समझाया बेटा, क्या समझाया, इधर देखो, इसको दिन में नहीं बैठाया, क्यों नहीं बैठा है? जब ये आएगा एग्जाम में तो पता चल जाएगा आपको, एकदम हार्ड तरीके से इसको पूछा जाता है, ठीक है। इसको फटाक से क्या करना है, आपको दिल में बैठाना है फटाक से इस बात को, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभिषेक सर ने क्या बोला, अभिषेक सर ने ये कहा है बच्चा कि एकदम सिंपल बात बताइए कि 4 नहीं खाएगा, 5 खिलाओ उसको, हाफ प्लेट खिलाओ, या तो फिर क्या खिलाओ, फुल प्लेट खिलाओ। अगर 3 आया तो चलेगा, 2 आया तो चलेगा, 1 आया तो चलेगा, बट अगर 4 आया किसमें, डी में, तो नहीं चलेगा, 5 खिलाना है, हाफ प्लेट। 8 आया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते, अब 9 आया फिर हम लोग क्या कर सकते, एक ले सकते। अब इसको समझते, जैसे कि यहां पर कहां पर बेटा, यहां पर अपने पास डी में कितना आया है, 4 आया बच्चा, कितना आया बोलो, 4 आया है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग जस्ट सिंपली इसको 5 करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे 5, ध्यान से देखो, वी विल डू बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल, इट विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम व्हाट, 1, ऐसे करेंगे। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, समझ में आ गया ना आपको। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा होता है, ठीक है, क्रोमियम वाले में। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है, कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है, आगे चलते। चलो ध्यान से देखो, अब हम लोग समझेंगे कुछ और चीज़ों को। जैसे कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी किसकी बच्चा, किसकी, हमारे पास है कॉपर। क्या है बच्चा, कॉपर, 29 पे क्या है हमारा, कॉपर है, ठीक है। कितना है बेटा कॉपर, कितने पे बच्चा, 29 पे। अभी अपने को इसका बनाना है, ठीक है, सी यू, ठीक है, बोलते हैं ना बाय सी यू वैसा। तो अभी इसका अपने को बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है। सबसे पहले पूड़ी लगाओ, पूड़ी लगाओ नहीं, सबसे पहले प्लेट लगाओ, क्या, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर उसके बाद 4s की लगेगी सर, फिर उसके बाद किसकी लगेगी, 3d की लगेगी, ठीक है। अब प्लेटें लग चुकी है, पूड़ी डालिए, कैसे डालेंगे सर, एकदम सिंपल तरीके से, एस दिख गया, 2 डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, कितना डाल दूंगा बच्चा यहाँ पर, 2 डाल दूंगा, कितना डाल दूंगा बच्चा बोलो, 2, क्योंकि क्या है हमारा एस है ना, ये एस, तो एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, इसमें 2, इसमें 10, ठीक है। अब क्या करूंगा, पूरी काउंट करूंगा, पूरी कितना है मेरे पास, 29 है, कितना है मैंने डाला यहाँ पर, 6 4 10, यहाँ पर कितना, 10, यहाँ पर 10, 30 क्यों डाल दिया सर, 30 थोड़ी ना डालना है, 29 है ना, तो 29 डालना है ना, क्यों मिस्टेक कर रहे हो, तो क्या करोगे सर, सिंपल, इसको रफ करूंगा, इसको रफ करूंगा, कैसे, अब देखो ऐसे, इससे मैं क्या कर लूंगा बेटा, 1 ले लूंगा, और इसको क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, 10 बहाने, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया ना, सिंपल है एकदम, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दिया ये, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना, कोई डाउट है बच्चा, नहीं है। एक काम करते, एक कोई बड़ा नंबर लेते, कौन सा नंबर लेते, कोई एक बड़ा नंबर लेते, ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा ले हम लोग, एकदम सिंपल सा कोई तो भी एक बड़ा नंबर ले लेते, ठीक है, बोलो ले ले, ले लेते हम लोग, ठीक है।
पहले कोई कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर समझते इसको, कोई एक नंबर बोलो ना, बड़ा नंबर बोलो ना, कोई बड़ा जो जर्सी बीसी के पीछे छपवाते हैं ना, कितना 99 छपवाते हो क्या? मेरा फेवरेट है 99, ठीक है, तो हम लोग 99 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा? 99 कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास नंबर कौन सा है? 99 है। अब इसका कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, 3d के बाद क्या, 4p, राइट। 4p के बाद नहीं याद आएगा तो यहाँ से देखने का कुछ इस तरीके से, देखो 3d लग गया, 4p लग गया, 5s, 4d, फिर 5p, क्या बच्चा? 5s, 4d, मेरे साथ बोलो 5s, 4d, फिर उसके बाद क्या, 5p, फिर वापस से देखो 5p के बाद किसकी लगानी है, 5p के बाद अपनी को लगेगा, अपनी प्लेट किसकी लगेगी, 6s की, फिर 4f की, 6s और किसकी, 4f की। तो यहाँ लगाते 6s, फिर उसके बाद 4f, इतना समझ में आ गया, 6s और 4f, इतना समझ में आ गया। आगे चलते देखो ध्यान से, फिर उसके बाद कहाँ तक लग गई अपनी, 4f तक लग गई, 5d, 6p और 7s, 5d, 6p और 7s, वापस लिखो 5d, 6p और 7s। इतनी सारी प्लेटें लगा दिए, लगा दी, बहुत काम है बेटा, 99 पूड़ी बांटना है। कितनी पूड़ी बांटना है? 99, इतनी ज़्यादा पूड़ी बांटनी है। तो चलो अब एक काम करते हैं, एक दो प्लेट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। कहाँ तक लगा दिया था हम लोग, 7s ना, 5f तक लगा देते, कहाँ तक लगा देते, 5f तक लगा देते। चलो लगा देते, कहाँ तक लगा देंगे, 5f तक। अब क्या करना है, अब अपने को पूड़ी बांटना है, सिंपल, क्या करना है, पूड़ी बांटना है। तो चलो बांटते, बांटेंगे, यस और नो, बांटेंगे सर, जरूर बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, आए हैं लोग खाए ना खाने के लिए, तो खिलाएंगे उनको। अब देखो एस में सर दो डाल देते हैं, यहाँ पर भी दो डाल देते हैं, पी में 6 डाल देते हैं, एस में 2 डाल देते हैं। डालते समय ये याद रखना, एस 2 खाएगा, पी 6 खाएगा, डी 10 खाएगा, एफ 14 खाएगा, ठीक है। वापस से 2 डाल दिया, हाँ, फिर उसके बाद 6, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर कितना, 6, बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 10। पूरी डालते समय घाई नहीं करने का, ठीक है, ऐसे ऐसे फेंक के देगा ना सामने वाले को, तो बच्चा वो बोलेगा मीना खाना यार, कुछ खा बसूंगे, राइट। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना, 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 14। अब काउंट करते हैं, बहुत ही टफ काम है बेटा काउंट करने वाला, पूरी काउंट करने वाला, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे काउंट करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से, कैसे, एकदम सिंपल तरीके से, करोगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर 6 4 10 हो गया, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, लिख देता हूँ 10, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा टेक्निक है बेटा, ये 6 4 10, ठीक है, फिर ये 10, ठीक है, फिर ये 10, ठीक है, और एक काम करते हैं, और ये 6 और 2, ठीक है, कितना, 8, ठीक है। फिर उसके बाद ये 6 और 2 8, ठीक है, फिर ये कितना, 14, फिर इसके बाद ये 10, ये कितना, 6, ये कित, ये सॉरी, इसको हम लोग ऐसे करेंगे ना, 6 2 8, कैसे करेंगे, 6 और 2 8, ठीक है, और ये कितना, 14। अब ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 10 20 30 40 और 8, 48, 48 ऊपर से आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। नीचे से देखते हैं, 10 20 30 40 40 और 8 48, 48 और 8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, कितना, 55, नीचे से आ रहा है ना, एक बार काउंट करो वापस से, देखो ध्यान से, 10 और 10, 20, 20 और 8, 28, ठीक है, 28 प्लस 14 प्लस 14, बराबर, हाँ, 4 4 8 8 8 16, 2 1 3 4 1 5, 56 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चा, 50, हाँ बरोबर, कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, ठीक है, ये 56 है और ये 48 है, कितना हो गया, ध्यान से देखो, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इसके बाद 5 4 9 और 1 10, 104 हो गया, मतलब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, समझा, पूड़ी क्यों है, पूड़ी कितनी है अपने पास, 99 है, 104 डाल दिया, मतलब किधर रॉन्ग हो रहा है, कितनी कम डालनी है बताओ, 99 100, मतलब 5 कम डालनी है ना, कितनी कम डालनी है, 5 कम डालनी है, तो इधर पे इसको 14 को हटाओ,
14 को हटाओ और कितनी डाल दोगे बताओ, 14 को हटाओ कितनी डालोगे, खुद से सोचो ना, इधर तक कितना हो गया था अपना, 10, 20, 20 और 8, 28, 28 और 14, 28 और 14, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 2 और 1, 3 और 1, 4, 42 हुआ था ना, तो अपने को कितनी डालनी पड़ेगी, 42 और 48, कितना हो गया बताओ, 8, 9, 10, 10, 4, 4, 8 और 1, 90, मतलब यहाँ पर 9 पूरी डालनी पड़ेगी, कितनी पूरी डालनी पड़ेगी, 9, एक बार चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो, मेरे से भी गलती हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लो, कितनी है, बराबर से 99 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक करो अच्छे से और बताओ मेरे को फटाक से, और राइट है तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ठीक है, चलो इसको करो फटाक से, जल्दी फास्ट फास्ट एकदम फास्ट फास्ट तरीके से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, इधर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी बता दूंगा, उसके पहले आप इसको नोट करके लो, एक बार फास्ट नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से, एक स्क्रीनशॉट लो, अतुल अतुल इधर काटना, कहाँ चले गए थे, कट करना एक मिनट बेटा, स्क्रीनशॉट डन ना, देखो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया रहेगा, पूरी प्लेट मेथड ऐसा कहीं ना सीखा होगा ना सीख पाओगे एकदम सिंपल तरीके से, ओनली ऑन बाय अभिषेक सर, ठीक है। अब देखो अपने को ना होमवर्क क्या है, फिर सर होमवर्क भी दे दिया करो थोड़ा बहुत, घर पे ही बैठा रहता हूँ मैं, ठीक है, पूरा दिन मन ही नहीं लगता, इंस्टाग्राम चलाता रहता हूँ, थोड़ा बहुत होमवर्क दे दोगे तो थोड़ा पढ़ वढ़ लूँगा सर, थोड़ा भला हो जाएगा मेरा भी तो देखो मैं बताता हूँ एकदम ध्यान से सुन लो, अगर आपको करना है ना, देखो अपना फंडा एक ही है, जान लगा दो या तो जाने दो, सिंपल सा फंडा है अपना, ठीक है, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होमवर्क है आपके पास, ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट आपको एक चार्ट बनाना है अच्छे तरीके से, चार्ट कौन सा वाला, हो ऐसा वाला पानी पूरी भी नहीं पूरी वाला चार्ट नहीं, कौन सा वाला बताया था ना बेटा आपको, पीरियोडिक टेबल वाला, ऐसा लेकर आना एक वाइट कलर का, फिर इसके अंदर अच्छी तरीके से क्या बना दोगे आप, बना दोगे ना कैसे, यहाँ पर एस करके, ठीक है, फिर यहाँ पर डी, यहाँ पर पी, यहाँ पर एफ, सी, सारा का सारा आपको लिखना है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क हो गया, समझ में आ गया। सेकंड आपको क्या करना है, आपको निमोनिक्स का प्रैक्टिस करना है, जो आपको मैंने निमोनिक्स कराना है याद कराना है, लीना की ये सब, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। फिर थर्ड आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है, अपने पास टोटल 1 से लेकर 1118 इतने टोटल एटॉमिक नंबर्स है, तो आपको इन सभी एटॉमिक नंबर्स का बच्चों क्या करना है मैं बताता हूँ, सभी एटॉमिक नंबर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्या करना है बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे ना, पूरी प्लेट मेथड है एकदम सिंपल है, प्लेट लगाओ पूरी डालो। तीसरा आपका होमवर्क समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है नहीं, एक और होमवर्क मैं देता हूँ, चौथा होमवर्क ध्यान से देखना, टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक आप रीड करो, कहाँ पे क्या क्या लिखा है कैसे लिखा है थोड़ा सा एक बार पढ़ो, ठीक है, आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर जा करके उसको बाय भी कर लो। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना, समझ में आ गया सबको, तो अब आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, अपने आप से कभी भी ऑनेस्ट हो, ठीक है, मतलब अगर आपने कमिटमेंट किया है ना कि अपने को पढ़ना है तो अपने को पढ़ना ही है, ऑलराइट, स्ट्रगल बेटा अभी कर लो या फिर लाइफ टाइम करो, सीधी सी बात है, समझ में आ गया, तो आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड कीप वॉचिंग न्यू इंडियन एरा, एंड दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।